मैं वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और आईजी सिंध को मुतनब्बे करता हूँ कि जो बशमूल कराची पूरे सिंध की बेटी बहन और माँ के साथ मुख्तलिफ चौराहों और सिग्नल पर तजीक आमेज सलूक इख्तियार किया जा रहा है, डबल सवारी पर पाबंदी के जुमरे में उसे हर हाल में रुकवाया जाए, उससे एक इश्तियाल पैदा हो रहा है। मेरी बहन बेटी और माँ को घंटों घंटों चौराहों पर और सिग्नल पर खड़ा किया जा रहा है, इसके अच्छे असरात मुरतब नहीं हो रहे। कोई भी औरत अपने घर से बगैर इमरजेंसी की सूरत के नहीं निकलेगी, वो क्यों निकलेगी? सौदा सेल्फ लेना है तो उसे मालूम है कि क्या लेना है, बीमार है तो उसे डॉक्टर के पास या अस्पताल जाना है। तो मैं समझता हूं कि इस पॉलिसी में नरमी की जाए, जहां कोई खातून मोटरसाइकिल पर जा रही है किसी के साथ 8 बजे से शाम 5 बजे तक कोई रियायत होनी चाहिए, और जो जुर्माना 550 रुपए का, ये तो डॉक्टर की फीस भी नहीं है, इलाज मालजे के भी पैसे नहीं है, और सौदा सेल्फ के भी इतने पैसे लेकर नहीं निकलती, तो ये 550 का जुर्माना नहीं हो, ज्यादा ज्यादा 100 रुपए का जुर्माना लगा दें और नौयत मालूम कर लें और इसमें नरमी और रियायत बरती जाए, ये मेरा मुतालबा है, और इस पॉलिसी को रिव्यू किया जाए, इसके अच्छे असरात नहीं आ रहे।